morning everyone. Today we will discuss about welding distortion. जो आप वैल्डिंग करते हैं वो की डिस्टोर्शन होंगे आ कि कोई मटीरियल अपना जो क्रैक हो जाता है सो वो बारे आप डिस्कस करा. सो फर्स्ट की है कि लिख लो कि वैल्डिंग डिस्टोर्शन बेसिकली हों की एन ऑबजैक्ट इज सेट टू बी डिस्टोर्ट वैन इट इज़ पुट आउट ऑफ शेप और इट बिकम डी शेप. मतलब की है कि जो भी कोई वैल्ड करना है डिस्टोर्शन कितना क्रिएट होंगी आ कि कोई मटीरियल आप दो प्लेट्स में आप वैल्ड करना यह उदो क्रिएट हों कि जो ये प्रोपर शेप्स के ना हो ठीक है अनशेप्ड हो सो उदे करके वैल्डिंग के दौरान की है डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाते हैं. ड्यूरिंग वैल्डिंग वैन वैल्ड मैटल इज डिपोजिट द बेस मैटल इज हीटिड एंड इट एक्सपेंड. सो की है कि जो मान लो कि बेस मैटल अपना आहार ये उपर आप कोई भी चीज़ वैल्ड कर रहे हैं सो जो ये बेस मैटल ज़्यादा हीट हो जाता है दिस इज बेस मैटल. बेस मैटल जो ज़्यादा हीट हो जाता है वो करके की आ कि डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाती है जो दोनों पीसीज का टैंपरेचर वो वेरिएशन आ जाती है सो वो करके की आ श्रिंकेज भी हो जाती है. श्रिंक मतलब की होंगे आ कि श्रिंकेज मैं तुम्हें दस दिना कि दिस इज़ अ पीस या दिस इज बेस मैटल सपोज एंड दिस इज 10 mm. हूँ की है कि जो ये ओवरहीट हो गया ओवरहीट ना होके की आ बाद कूल हो जाना रूम टैंपरेचर तो उस तो बाद ये श्रिंक हो जाता है सो श्रिंक हो गया मान लो रह गया 9.5 mm. सो दिस इज श्रिंकेज. नैक्सट आप अगले चैप्टर पढ़ा अलाउंसिस होंगे श्रिंकेज अलाउंस डिस्टोर्शन अलाउंस. सो ये बेसिक से आ मैं उदा दसन लगा है. सो द श्रिंकेज ऑफ द वेल्ड जॉइंट इज ग्रेटर दैन एक्सपेंशन. मतलब की आ कि जे तो एक्सपेंड होया एक्सपेंशन इज टू दो गल्लां दे विच कीतियां आ एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज. की कह रहे हैं कि जिहड़ी श्रिंकेज आ ना जां अलाउंस आ श्रिंकेज इज मोर दैन एक्सपेंशन. मतलब कि जे तो यह बेस मैटल हीट होया हीट हो गए तो यह एक्सपेंड होना वो तो 10.1 mm पर श्रिंकेज जी ये ज़्यादा है मतलब कि 9.5 mm मतलब कि 0.5 mm जोड़ा आ श्रिंकेज ज़्यादा होगी पर जोड़ा एक्सपेंशन एक्सपेंड आट हो 1 mm 0.1 mm एक्सपेंड हो पर श्रिंकेज ज़्यादा है. सो बेस मैटल जो हीट हो जाए वेरिएशन ज़्यादा हो जाए एक्सपेंशन जी घट होंगी पर श्रिंकेज ज़्यादा हो जाती. सो द फर्स्ट पॉइंट की आ कि द मैटल ऑफ द वर्क पीस इज हीटिड ड्यूरिंग द वैल्डिंग जोड़ा की है कि मैटल जोड़ा आ वर्क पीस आ जोड़ा वह ज़्यादा हीटिड हो जाता है. द मैटल एक्सपेंड ड्यू टू हीट. तुम्हें पता है कि जो भी आप कोई चीज़ को गर्म करते हैं वो एक्सपेंड हो जाती है तो जो वो रूम टैंपरेचर ठंडी हो जाती है वो श्रिंक हो जाती है. सो ये हरेक मटीरियल है एक एग्जाम्पल मैं तुम दस दिना कि एक्सपेंशन की या श्रिंकेज की कि जो आप घर के उपर आप बनेरे बनाने हमेशा मान लो क्या एक साडा घर आ दिस इज पिलर आ एक अपना बीम आप बनेरा बनाया लेंटर के उपर कि आप डिग ना जाइए. सो इतने बीम एक पैंता ये बीम के देखियो मोस्टली हरेक घर की हों कि इतने तेड़ा आईया होंगे ये तेड़ा इसलिए होंगे क्योंकि ये ना सरिया पाया होंगे वो की है कि ठंड के श्रिंक हो जाता गर्मी के एक्सपेंड हो जाता मतलब कि जो हीट होंगे टैंपरेचर उदों एक्सपेंड हो जाता जो ये मौसम डाउन होंगे टैंपरेचर उदो श्रिंक हो जाता जिसे करके इतने क्रैक्स पै जाते. सो तुम समझ गए एक्सपेंशन से श्रिंकेज का की मतलब. सैकेंड है अनईक्ल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटल ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग कि मतलब जो तुम वैल्ड कर रहे हैं प्रोपर नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग आ प्रोपर हीटिंग नहीं मिल रही वो करके भी यह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. नैक्सट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर स्ट्रक्चर मैंबर द मैंबर टेंड टू पुल द बेस मैटल आउट ऑफ द रीजन. मतलब की है कि जिदा मैं तुम्हें डायग्राम बनाया कि बेस मैटल आ बाकी मैंबरस आ ये मैंबरस में आप इतने फिट करना आ जो आप मैंबरस में वैल्डिंग कर रहे हैं इतने ज़्यादा डेपोजिट हो जाता है वो करके भी जो बेस मैटल प्रॉब्लम आ जाती जिसे करके डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाते हैं. सो ये अगर 3 पार्ट आ कि मेन डिस्टोर्शन आ जोड़े ज श्रिंकेजिज आ फर्स्ट है ट्रांसफर श्रिंकेज
सेकंड हैगा या लोंगिट्यूडनल श्रिंकेज एंड थर्ड हैगा या एंगुलर एंगुलर श्रिंकेज। सो मेरे ख्याल तुसी तिन्ने वर्ड तो सुने होने हैं टेंथ दे विच सारे ने या फर्स्ट सेमेस्टर दे विच भी फिजिक्स दे विच भी वर्ड सुने होने तुसी ट्रांसफर लोंगिट्यूडनल एंगुलर ये विच वर्ड यूज होंगे आ। सो पहला आप ट्रांसफर करते हैं कि ट्रांसफर श्रिंकेज की हुंदा आ कि ट्रांसफर श्रिंकेज ये आ बेसिकली अच्छे बना के दिखा रहा हूं मैं दिस दीज आर टू प्लेट्स ये दो प्लेट्स आ मैं इन दे इतने वेल्डिंग करनी स्टार्ट कर दिना सेंटर इन्हों आपस ज्वाइन कर मैं इतने वैल्डिंग करनी ज्वाइन स्टार्ट कर दिना। सो जो मैं इन वैल्डिंग करनी आ जो इतने ज़्यादा मैं हीट क्रिएट कर देनी समझ लो भी तुम नॉन यूनिफॉर्म हीट क्रिएट होगी नॉन यूनिफॉर्म वैल्डिंग मैं करूँगा ये ट्रांसफर शिंकेज हो जानी है। ट्रांसफर शिंकेज की होंगी है कि जो वैल्ड इन करता ना इसकी शेप कुछ इदा की बन जाए दिस इज ट्रांसफर श्रिंकेज। तुम सारे ने टेंथ की जोग्राफी जो टेंथ की जोग्राफी ना उसमें देखा होना कि अर्थक्वेक का चैप्टर आर्थक्वेक के चैप्टर के ट्रांसफर की टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे गल की गई है जिसे करके भूचाल आते अपने वो ट्रांसफर की भी एक एग्जाम्पल दिती गई है कि प्लेट्स जो आपस के ट्रांसफर होंगे आ तीन चीज़ा होंगे डिवर्जेंट कन्वर्जेंट तो ट्रांसफर। सो ट्रांसफर प्लेट्स जीडिया जो इदा मूव कर दें जिदे करके अर्थक्वेक क्रिएट होंगे। सो यो आ ट्रांसफर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दा दिती आ कि तुम वह पढ़ के आए हैं जी टेंथ के जोग्राफी के चीज़ पढ़ी आ। सो इसलिए जो ओवर हीटिंग होती है वो करके ट्रांसफर श्रिंकेज क्रिएट होती है। नैक्सट है लोंगिट्यूडनल श्रिंकेज। लोंगिट्यूडनल श्रिंकेज की हों कि सीधा एक पीस आ मान लो आला ये तो मैं वैल्डिंग फिट कर रहा हाँ वैल्डिंग कर रहा हाँ उस तो बाद की आ ये ज़्यादा हीटिंग ना ये इस तरह शेप हो जाती देखो ये लोंगिट्यूडनल श्रिंकेज है मतलब कि बैंड आ जाता है इन लोंगिट्यूडनल श्रिंकेज भी कहा जाता है। बेसिकली जड़ा ये पहला थोड़ा जहा ऑलरेडी बेंड होंदा है पर किया कि ज़्यादा हो जाता लोंगिट्यूडनल श्रिंकेज। नैक्सट है या एंगुलर। एंगुलर की आ कि मान लो कि बना मैं पीस है मेरा मेरे सेंटर दे वेल्डिंग की पर मैं इतने ज़्यादा हीट क्रिएट करती बेस मैटल दे ज़्यादा टाइम वेल्डिंग करती टाइम ज़्यादा स्पेंड किया जिदे करके ये की है कि एंगुलर दोनों पासे सेम एंगुलर शेप हो जरूरी नहीं सेम उपर थले भी कोई एंगल हो सकता। सो इस जगह पर एंगुलर शेप क्रिएट हो सो इनू एंगुलर श्रिंकेज भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स की है कि यूज अ फ्यू वेल्ड पासिस एज पॉसीबल मतलब कि जो तुम एक वैल्ड करना है फ्यू पासिस क्रिएट करो ये नहीं कि वार बार उत्थे वैल्डिंग क्रिएट करो ये करके भी ये तीन श्रिंकेज हो जाते हैं ये करके तीन श्रिंकेजिज होंगे आ कि जो तुम बार बार एक जगह पर वैल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। सैकेंड है यूज बैक स्टैप वैल्डिंग टैक्नीक। बैक स्टैप वैल्डिंग आप फस्ट आर्क वैल्डिंग पढ़िया कि बैक स्टैप वैल्डिंग टैक्नीक ही यूज की जाती हमेशा। नैक्सट है द वैल्डिंग सीकुएंस द ऑर्डर ऑफ मेकिंग द वैल्ड शुड बी सच दैट इफ द वेल्ड मैटर श्रिंकेज एट वन प्लेस इट विल काउंट्रैक्ट द श्रिंकेज फोर्सिस ऑफ वेल्ड ऑलरेडी मेड कि वेल्डिंग सीकुएंस एक होना चाहिए मतलब की है कि तुम वेल्डिंग करी जाने इस तरह उस तो बाद की है कि तुम इधरों वेल्डिंग उपर स्टार्ट करती। सो यही नहीं
एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही अपन वेल्डिंग करनी चाहिए है, नहीं तो डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाती है, श्रिंकेज क्रिएट हो जाती है। तुम्हें टेंथ की ड्राइंग के भी देखा होना कि हमेशा अपन जोड़े ड्राइंग वाले साढ़े टीचर होंगे वो कहते हैं कि जो तुम इस तरह ड्राइंग स्टार्ट करती ना तो इस तरह ही करना सारा पेंटिंग, सॉरी पेंटिंग जी, ये नहीं कि तुम इस तरह करी जाओ बिच इस तरह, सो वह चीज़ ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं लगनी साड़ी ड्राइंग जी। सो यही है कि जी पोजिशन एक बार तुम स्टार्ट करती उस पोजिशन के वेल्डिंग करनी है ना कि चेंज करनी। फिनिश द वेल्ड ऑपरेशन क्विकली टू रिड्यूस द वेल्डिंग टाइम, कि वेल्डिंग टाइम जो रिड्यूस करो, छेती ऑपरेशन फिनिश करो, उसे टाइम ना कंज्यूम करो। असैम्बल द पार्ट्स करैक्टली दैन अपलाई प्रॉपर रिस्ट्रेन टू मिनीमाइज द डिस्टोरशन, कि जेडे भी तुम कोई भी बेस मैटल कोई भी चीज़ उपर वेल्ड कर रहे हैं उन्होंने प्रॉपर सैंपल करके रखो ताजो डिस्टोरशन क्रिएट ना हो सके। सो ये वेल्डिंग डिस्टोरशन साढ़े, एंड नैक्सट इज वेल्डिंग डिफेक्ट्स। वेल्डिंग डिफेक्ट्स किड़े किड़े, वेल्डिंग डिफेक्ट फर्स्ट है स्लैग इनकलूजन, फर्स्ट है स्लैग इनकलूजन, सेकंड क्रैकिंग, थर्ड हॉट क्रैकिंग, ये मतलब यह पार्ट ही है हॉट क्रैकिंग एंड कोल्ड क्रैकिंग, ये तो हुआ। नेक्स्ट है ब्लू होल्स, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ओवरलैपिंग, डिस्टॉर्शन, सो दीज आर इंपॉर्टेंट वेल्डिंग इफेक्ट्स। मतलब कि ये कुछ चीज़ा जीडिया नैक्सट चैप्टर के भी यूज होनी अपन जे डिफेक्ट्स आ, ये कास्टिंग डिफेक्ट्स भी गिने जाते हैं इन्हों, कास्टिंग डिफेक्ट्स इदा आ कि क्रैकिंग ये भी कास्टिंग डिफेक्ट आ, ब्लो होल्स जोड़े आ ये भी कास्टिंग डिफेक्ट आ, ओवरलैपिंग लैपिंग भी कास्टिंग डिफेक्ट आ, डिस्टोरशन भी कास्टिंग डिफेक्ट आ। नैक्सट चैप्टर के भी ये डिफेक्ट्स यूज होने आ, सो ये आप दसदा डिटेल आप उस चैप्टर पूरी करा। बेसिकली स्लैग इनकलूजन की आ कि तुम कोई पीस नू वेल्ड कर रहे हैं, तुसी वेल्डिंग कर रहे हैं किसी पीस की, पहले लेटर के बारे थोड़ा जा स्लैग के बारे। स्लैग इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन विद द फ्लक्स, मतलब कि स्लैग जी फर्स्ट है स्लैग का यह आ कि यह फ्लक्स करके एक रीजन क्रिएट होंगी। फ्लक्स बारे आप पढ़िया है, ड्यू टू लो डेंसिटी द फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वेल्ड पूल एंड इज चिप्ड ऑफ आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, मतलब कि जो इतने वेल्डिंग होंगी इतने मोल्टन मैटर जो इतने कोल्ड हो जाता अपनी कूलिंग स्टेट के आ जाता जिदे करके चिप्स बन जाते हैं, उन्होंने स्लैग कहा जाता है। ड्यू टू स्पिनिंग एक्शन इट डज नॉट गैट अ चांस टू फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉलिडिफाइंग वेल्ड मैटर एंड गैट इंट्रैप्ड इन साइड द वेल्डिंग मैटर एंड इज सॉलिडिफाइड इन साइड द फ्यूजन जोन एंड दिस इज कॉल्ड स्लैग इनकलूजन, मतलब कि जो वेल्डिंग हो रही होंगी एक्शन हो रहा होंगे ये को चांस नहीं मिलता फ्लोट करने का ये उत्ते,
सो ये की है कि इतने जमा हो के लो डेंसिटी होंगी है, इतने जमा हो के स्लैग बन जाती है। स्लैग नूं आपां बेसिकली रिमूव करते हैं टोंग नाल, वेल्डिंग शॉप दे विच तुसीं देखोगे टोंग हुंदा आ, उन्हां स्लैग रिमूव करते हैं। सो जिहड़ा टोंग आ बेसिकली इस शेप दा हुंदा हैंडल लगा, सो इहनां स्लैग रिमूव कीती जांदी है, उपरों उपरों स्लैग रिमूव कर दिंदे आ। नैक्सट हैगा आ क्रैकिंग। हॉट क्रैकिंग की हुंदा आ, हॉट क्रैकिंग बारे थोड़ा बहुत गल कर लेने हैं। हॉट क्रैकिंग अकर्स एट हाई टेंपरेचर इन केस माइल्ड स्टील, द हॉट क्रैकिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर सल्फर एंड कार्बन। जिहड़ा हॉट क्रैकिंग है मेन कंटेंट ये आ कि सल्फर करके ते कार्बन करके क्रिएट होंगी है। एंड इहदे जिहड़े हॉट क्रैकिंग नूं घटाउण वास्ते इहदे विच मैगनीशियम ऐड करते हैं, मैगनीशियम ऐड किया जाता कि जो हॉट क्रैकिंग घट हो सके। हॉट क्रैकिंग बेसिकली होंगी जो वैल्ड करते हैं ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाती है, जोड़ा मटीरियल उन्नी हीट न बर्दाश्त नहीं कर सकता जिदे करके वह क्रैक हो जाता है, फटन लग जाता पीस। वो नैक्सट कोल्ड क्रैकिंग आ, कोल्ड क्रैकिंग जी अक्कर सैट रूम टैंपरेचर ऑफ द वैल्ड इज कंप्लीटली कोल्ड, दीज आर प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रैस एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड कूलिंग। मतलब कि कोल्ड जी क्रैकिंग जो रूम टैंपरेचर से ठंडा होंगे लगातार ठंडा हो जाता, रैपिड कूलिंग हो रही होंगी है, वो करके कोल्ड क्रैक्स होंगे। द कोल्ड क्रैकिंग कैन बी मिनिमाइज बाय रिलीविंग द रेजिड्यू स्ट्रेसिस। कोल्ड क्रैकिंग जी घट होगी जो रेजिड्यू स्ट्रेसिस घट किया जाए। द प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग ऑफ द वेल्ड मेटल इज ऑलसो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द क्रैक्स। द कोल्ड क्रैक्स आर ऑब्जर्व इन हीट अफेक्टेड जोन। कोल्ड क्रैक बेसिकली जो तुम ना मेटल वेल्ड करके रखते हैं, जे तुसीं इक एग्जाम्पल देखने तो उस वेले पानी सुट दो गर्म मेटल में, जो तुसीं जॉइंट किसी ने वेल्ड किया आ उन्होंने इमीडिएटली पानी पा दूंगे ना, उदों भी उस कोल्ड क्रैक्स हो जाते हैं। और कभी भी मेटल जो आप कोई भी वेल्डिंग करके हटते हैं इसलिए आप रूम टैंपरेचर ठंडा करीदा, जे असी उन्होंने उस वेले पानी के पा के ठंडा कर देंगे तो वह जॉइंट जोड़ा आ टुट भी जाता है। जो वैसे रूम टैंपरेचर से ठंडा होया तो वह बिल्कुल नहीं टुटना, पर वैसे वह पानी पा के टुट जाना। ग्रो होल्स की होंगे आ कि जो वैल्डिंग इतने चल रही होंगी आ उस टाइम की आ कि गैसिज क्रिएट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन भी होंगी आ, वो करके की आ कि जो ये ना ना सॉलिडिफाई दे स्टेट दे विच आउंदा आ इहदे विच की आ गैसिज क्रिएट होने करके ग्रो होल्स क्रिएट हो जाते हैं। ग्रो होल्स मैं तुहानूं दस्सिया सी लास्ट चैप्टर दे विच, सॉरी लास्ट लैक्चर च, कि जिहदा प्लास्टिक की बॉल आ उहदे मान लो रैड कलर की बॉल आ, इहदे विच तुसीं देखणा वाइट वाइट कई बार स्पॉट होंगे बॉल्स दे विच, प्लास्टिक दीआं बॉल्स दे विच वो ग्लो होल्स होंगे, वो गैसिज भर जाती हैं, एयर भर जाती है, जिदे करके निकलती नहीं तो वो बिचों खाली रहता है, सो उन्हों ग्लो होल भी कहा जाता है। नैक्सट है इनकंप्लीट पेनीट्रेशन, मतलब कि वैल्डिंग कर रहे हैं तुसी कोई प्रोपर वो पेनीट्रेशन नहीं हो रही, वैल्ड फिल नहीं हो रहा प्रोपर अपनी जगह पर, तुसी फास्ट वैल्डिंग कर रहे हैं जां तुहाडी पोजिशन नहीं सही हैगी बिल्कुल भी, सो उहदे करके प्रोपर पेनीट्रेशन नहीं हो रहा, सो जिदे करके वैल्डिंग नहीं होंगी। नैक्सट है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग लिख लो तुम दसदा पहला फिर समझा तुम। ओवरलैपिंग की है, ओवरलैपिंग अक्कर वैन द मोल्टन मैटल फ्रॉम द इलैक्ट्रोड फ्लोज, कि मतलब जो मोल्टन मैटल जोड़ा आ इलैक्ट्रोड के फ्लो हों, करंट जनरेट हो गए, इलैक्ट्रोड चल रही होंगी कम कर रही होंगी है, ओवर द पेरेंट मैटल सरफेस एंड रिमेन देयर विदाउट गैटिंग प्रोपरली फ्यूज। मतलब की है कि जो पेरेंट मैटल आ वो रिमेन उत्ते रहता है, प्रोपर फ्यूज नहीं हों, मिक्सअप नहीं हों, जिदे करके ओवरलैपिंग क्रिएट हो जाती है। ओवरलैपिंग वर्ड तुम देखे होना कि दो प्लेट्स आ, एक इतने एक थले आ, दैट इज ओवरलैपिंग। मतलब की है कि वैल्ड कर रहे हैं, वैल्डिंग के उपर ही वैल्ड फिर एक दूजे के उपर चढ़ी जाता, इदा उन्होंने ओवरलैपिंग कहा जाता है। नैक्सट है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन बेसिकली एक अलाउंस ये डिफेक्ट है, एक अलाउंस भी होंगे डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन की है कि तुम कोई चीज़ वैल्ड की आ डिस्टोर्शन के, डिस्टोर्शन इज द चेंज इन शेप एंड डिफरेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द टू प्लेट्स बिफोर एंड आफ्टर वैल्डिंग। मतलब की है कि दो प्लेट्स की शेप में चेंज करना उन्होंने डिस्टोर्शन कहा जाता, चाहे एक्सटरनल फोर्सिज ना चेंज करो चाहे जिदा मर्जी वह डिस्टोर्शन का ही चैक किया जाता है कि मेटल जो आप वैल्ड कर रहे हैं वो रिलेटिड होर भी पीसिस तैयार करने हैं कि वह प्रोपर जोड़े आ वैल्ड हो रहे हैं।
प्रॉपर डिस्टॉर्शन अलाउंस चेक किए जाते हैं। नैक्सट चैप्टर चैप्टर आप डिस्टॉर्शन अलाउंस पढ़ा। सो ये डिस्टॉर्शन होंगे कि प्रॉपर वेल्डिंग चल रही है अपनी बिल्कुल, सो दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन डिफेक्ट्स। नैक्सट ये की आ कि कुछ इंस्पैक्शन होंगे आ, विजुअल इंस्पैक्शन होंगी आ। विजुअल इंस्पैक्शन होंगे कि जो तुम वैल्ड कर लें आप विजुअली मतलब अखा ना देख के देखते हैं कोई डिफेक्ट तो नहीं है, सू वैसे दिस पैदा है उन्होंने विजुअल कहते हैं। उस तो बाद लिक्विड डाई पेनीट्रेशन टैसट, मतलब कि लिक्विड के पा के पीस में मान लो आ रॉड आ, ये रॉड में मैं सेंटर से वैल्ड किया आ, ये बाद कि लिक्विड पाया जाता वो लिक्विड की है कि जे कि क्रैक है वो लिक्विड चल जाता जिसे सार करके सू पता लग जाता है कि ये कोई क्रैक्स भी है। नैक्सट अल्ट्रासोनिक इंस्पैक्शन हैगी है। अल्ट्रासोनिक इंस्पैक्शन तुम अल्ट्रासाउंड सारे पता होना कि आप जो कोई बीमार होने डॉक्टर सानू कहता अल्ट्रासाउंड, मतलब कि अल्ट्रासाउंड इंस्पैक्शन की होंगी आ कि पीस के जो कोई क्रैक्स लाइनस है उन्होंने डिटेक्ट करने लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता, अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया जाता है क्योंकि अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में देखने लिए भी अल्ट्रासाउंड की जाती है। अपने अंदर कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ डॉक्टर कहता कि अल्ट्रासाउंड कराओ, सो इतने सेम मटीरियल दे विच आ, जे मटीरियल दे विच कोई क्रैक हैगे आ वो विजुअली आप अखा नहीं देख सकते जां लिक्विड दे विच नहीं जा सकता तो वो अल्ट्रासाउंड ना चैक किया जाता। नैक्सट है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी इटसैल्फ आ एक्सरे, एक्सरे तुहानू पता आ कि मान लो कि दिस इज अ पीस ये कोई विच प्रॉब्लम का, तो एक्सरे दी रेजना की आ ये चैक किया जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मटीरियल दे विच। बैंड टैसट किया जाता ये, टेंसाइल टैसट किए जाते, टेंसाइल टैसट बेसिकली होता दिस इज अ रॉड, टेंसाइल मतलब आउटर फोर्सिज लगदी आ जिदे करके इनू चैक किया जाता है कि किन्नी स्ट्रेंथ से जाके इनू ब्रेक किया जाए, ये टेंसाइल टैसट हों कि किन्नी फोर्स लगी जिदे करके ये पीस में ब्रेक किया। नैक्सट है बेंड, बेंड मतलब कि बेंडिंग टैसट किया जाता है। नैक्सट सोम के सिखाएंगे सर बेंडिंग टैसट का, बेंड मतलब कि उपर वेट पाया जाता एक्सटरनल फोर्सिज ना बेंड किन्ने वेट तक जाके बेंड हो सकता और उस तो बाद कदों ये टुट जाता है वह बेंडिंग टैसट किया जाता है। ये एक नैक्सट है इंपैक्ट टैसट, इंपैक्ट टैसट इंपैक्ट हों कि पीस आदम च इंपैक्ट पाना किसी चीज़ ना, ये भी सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल लैब के टैसट होगा इंपैक्ट का, एकदम किसी पीस के उत्ते इंपैक्ट पाना जोड़ देना उन्होंने इंपैक्ट टैसट किया जाता है। तो ये अपने वेल्डिंग डिफेक्ट्स, वेल्डिंग डिस्टॉर्शन जेडे टैसट ये किए जाते।